यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच दो बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं नजर आया है। पहले सफाई कर्मचारियों की बातचीत स्थानीय निकाय विभाग की दो SCS आनंद मोहन शरण के साथ दिल्ली में बातचीत हुई थी। इसके बाद दो दिन पहले चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। सफाई कर्मचारी सीवरेज सफाई में ठेका प्रथा बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पीएएफ ईएएसआई को जमा करवाने, एक्स ग्रेसिया में मुआवजा की बजाय सरकारी नौकरियां देने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार की सीवरेज सफाई को ठेका प्रथा पर बंद करने को भी सहमत है, लेकिन सरकार का कहना है कि वर्तमान ठेकों की समय अवधि पूरी होने के बाद नए ठेके जारी नहीं किए जाएंगे। पीएफ और एएसओई को जमा नहीं करवाने वालों ठेकेदारों के लिए विजिलेंस से जांच करवाई जाएगी, लेकिन कर्मचारी सीवरेज की सफाई के ठेके तुरंत प्रभाव से समाप्त करने की मांग की जा रही है। हड़ताल के चलते शहरों में गंदगी के ढेर लगे हैं। हालांकि सरकार ने ट्रैक्टरों के जरिए कूड़ा उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पा रही है।